तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस सेशन के अंदर हम जो हमारा क्यूबिट सीरीज चलती है उस क्यूबिट सीरीज के अंदर इंडियन इकोनॉमी को क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार आरपीएससी इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछती है और हमें किस प्रकार उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है और हम अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी साथ साथ में करते जाएंगे और क्वेश्चनों के साथ साथ क्वेश्चनों की व्याख्या भी हम करेंगे। तो जो आज की हमारा इस सेशन है इसका जो टॉपिक है वो है स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट। जो हमारा सिलेबस है उसका पहला टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट, उससे संबंधित क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज एक संस्था है जो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या प्रोवाइड करती है ये पूछा है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है डिजिटल टोकन की खरीद एवं बिक्री, दूसरा प्रतिभूति की खरीद एवं बिक्री, क्रिप्टो करेंसी की खरीद एवं बिक्री और चौथा है सरकारी परियोजनाओं की खरीद एवं बिक्री। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट होता है उसके अंतर्गत जो प्रतिभूति जो एसेट्स होता है तो उन एसेट्स को या जो सिक्योरिटीज होती है उनको क्या किया जाता है, बेचा जाता है और खरीदा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, जो सिक्योरिटी होती है उनको खरीदा जाता है और बेचा जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है कि स्टॉक बाजार एक मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का द्योतक है। जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होती है उसी के अंतर्गत स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट जैसी चीजें होती है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि कोई भी निवेशक होता है वो अपनी प्रतिभूति को बेच सकता है, खरीद सकता है और इसमें सरकारी विनिमय जो सरकारी हस्तक्षेप होता है वो नहीं होता है। फिर देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो निवेशक होते हैं या उद्यमी होती है या कोई संस्था होती है वो अपने शेयर मार्केट में अपने शेयर क्यों बेचते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर शेयर मार्केट में जो भी कंपनी होती है वो शेयर क्यों बेचती है और लोग शेयर क्यों खरीदें, इससे लोगों को क्या फायदा होता है और कंपनी को क्या फायदा होता है। तो कंपनी को ये फायदा होता है कि कंपनी कोई भी अगर बड़ी कंपनी होगी जिसका बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो शुरू होगी तो कंपनी अपने वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए मतलब पैसा जुटाने के लिए और अपनी जो वित्तीय सुरक्षा है उसके लिए, और कंपनी जब बड़े निवेश करती है तो उनको पैसों की जरूरत होती है तो वो पैसा कंपनी क्या करती है कि अपनी जो सिक्योरिटीज है उनको बेच देती है। तो आम लोग खरीद लेते हैं तो उस कंपनी के पास पैसा चला जाता है और कंपनी के पास जब ज़्यादा पैसा जाएगा तो कंपनी क्या करेगी, निवेश करेगी, और जब कंपनी निवेश करेगी की तो कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा तो जो जिसने निवेश किया है उस कंपनी में उस निवेशक को भी लाभांश मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो निवेश कर रहा है उसको भी फायदा हो रहा है और कंपनी है उसको भी फायदा हो रहा है। अब समझते हैं कि जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया में हम सब देखते हैं कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई गरीब परिवार है तो उस गरीब परिवार में मान लो किसी की डेथ हो गई, जो कमाने वाला आदमी था उसकी डेथ हो गई, तो फिर क्या करते हैं उसके आसपास के लोग या परिवार वाले जो क्यूआर कोड होते हैं फोनपे का या पेटीएम का वो ग्रुपों में डाल देते हैं कि सर इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, आप सभी जितना हो सके उतनी मदद कीजिए। तो सब लोग क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके अकाउंट में क्या हो गया, पैसा गया, तो उस परिवार के पास क्या हो गई, वित्तीय सुरक्षा हो गई, उसके बदले में हमें क्या मिलता है, पुण्य मिलता है, ठीक है, परोपकारी काम है, ठीक है। उसी प्रकार स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, कंपनियां कहती है कि सर ये हमारे शेयर है आप खरीदिए, तो आम जनता जाती है उन शेयरों को खरीदती है तो कंपनी के पास क्या हो जाता है, वित्तीय सुरक्षा हो जाती है, कंपनी के पास खूब सारा पैसा हो जाता है और वो पैसा कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, उससे उस कंपनी को लाभ होता है। तो कंपनी को लाभ होगा तो जिस व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया उसको भी लाभ होता है। तो ये हो गया हमारा शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, जो सिक्योरिटीज है प्रतिभूति है उनकी खरीद एवं बिक्री होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं,
सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई। पहला पॉइंट है कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1855 में बॉम्बे में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। और सेकेंड में ये कहा गया था कि आज इसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो हम दोनों को एनालिसिस कर लेते हैं। पहला कहता है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है वो 1855 में स्थापित हुआ। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि भारत का जो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में 1875 में स्थापित हो गया था। और उसका नाम क्या था? तो बॉम्बे में ही था, द नेटिव शेयर एंड द स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। बाकी चीजें सारी सही है, सिर्फ ये एक फैक्ट है वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत। दूसरा है आज इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ये करेक्ट है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दो। अब थोड़ी सी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE, इसके बारे में बात कर लेते हैं। BSE शॉर्ट में लिख लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में दो तीन फैक्टर वो देख लेते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबने नाम सुना होगा, ठीक है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्य सूचकांक है वो क्या है? सेंसेक्स। तो ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। या ये यूं पूछ लिया जाता है कि सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक है? वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो इसका मुख्य सूचकांक अक्ष क्या हो गया? हमारा सेंसेक्स हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेंसेक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। सेंसेक्स के अंतर्गत 30 जो बड़ी कंपनियां होती है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है, और जिन कंपनियों का मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जिन कंपनियों की मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, उन 30 कंपनियों की, कितनी कंपनियों की? उन 30 कंपनियों के जो शेयर का मूल्य होता है वो इसमें दिखाया जाता है। मान लो कोई 30 कंपनियां XYABC से लेकर 30 तक कोई कंपनियां हो गई, उनका कुल वैल्यू कितनी है? उसमें किसका भाग दे देंगे? 30 का भाग दे देंगे। तो ये क्या बता देगा? सेंसेक्स बता देगा कि ये सेंसेक्स इतना रहा। जैसे हम अखबारों में या टीवी में डेली पढ़ते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं कि आज है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, 100 अंक बढ़कर 30,220 पे हुआ। तो अब क्या हो गया? वो 30,220 क्या हुआ? इसका मतलब 30 बड़ी कंपनियां थी, उनकी सबकी वैल्यू निकाली, उसमें 30 का भाग दिया, और जो कुल टोटल आया वो लगभग जो हमने बताया था 30,000 समथिंग है, वो हो जाता है। तो सेंसेक्स में कितनी कंपनियों की स्थिति को दर्शाया जाता है? 30 कंपनियों की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंसेक्स में कितनी बड़ी कुल कितनी जो बड़ी कंपनियां होती है उनको दर्शाया जाता है। तो 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों की औसत स्थिति को दर्शाया जाता है। इसके अलावा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम बात करेंगे, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक तो ये सेंसेक्स हो गया, इसके अलावा जो सूचकांक होते हैं उसमें है एक बैंकेक्स, बैंकेक्स एक है, BSE 200, ये इसके बारे में बेसिक जानकारी है। तो अगर पूछ ले बैंकेक्स क्या है, या बैंकेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक है, तो बैंकेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि NIFTY 50 इंडेक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के 37 क्षेत्रों को कवर करता है
और सेकेंड है निफ्टी 50 का स्वामित्व एवं प्रबंधन NSE इंडेक्स द्वारा किया जाता है। तो दोनों की देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है वो कुल मिला के NSE क्या है, पिछली बार हमने BSE भी पढ़ा था, अब पढ़ेंगे NSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो ये सारा कवर हो जाएगा। तो NSE के बारे में देख लेते हैं। तो NSE है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। NSE की स्थापना है वो 1992 में एक समिति बनती, उसकी सिफारिश पर हुआ था, और उस समिति का नाम था फेरवानी समिति। फेरवानी समिति की सिफारिश पर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और ये जब इसकी स्थापना हुई उसी समय ये पूर्णतः कंप्यूटर के था, सारा काम क्या किससे होता था, कंप्यूटर से होता। तो भारत का पहला अगर पूछ ले कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इसका भी क्या सूचकांक होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या था, सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्य सूचकांक है वो है निफ्टी। निफ्टी निफ्टी को मतलब ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका अगर पूरा इसको अगर पल्लवन इसका किया जाए तो इसमें हो जाएगा NSE+50, NSE+50। यही हमें पूछा है कि निफ्टी 50 क्या है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक क्या है, निफ्टी 50। इसके अंतर्गत 50 कंपनियां, जो बड़ी 50 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उनके शेयरों की औसत स्थिति को दर्शाया जाता है। पिछले में कितनी थी सेंसेक्स में 30, यहां पर 50। तो जितनी भी इसमें रजिस्टर कंपनियां हैं उसमें से सबसे बड़ी जो 50 कंपनी है उनको उनके शेयरों को जो पिछली बार था, शेयरों का टोटल किया जाता है, उसमें अगर 50 का भाग देंगे तो ये निफ्टी 50 आ जाएगा। तो निफ्टी 50 में कितनी कंपनी है, 50 बड़ी कंपनियां हैं। और ये जो निफ्टी है ये इकोनॉमी के जो बड़े हैं 13 क्षेत्र हैं उनको कवर करता है, जैसे IT सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, ये सेक्टर। तो जो बड़े 13 क्षेत्र हैं उनकी कंपनियां यहाँ पर रजिस्टर होती है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, निफ्टी 50 इंडेक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 क्षेत्रों को कवर करता है, ये गलत होगा सर। 27 की जगह कितना है, 13। सेकेंड है निफ्टी 50 का स्वामित्व एवं प्रबंधन NSE का है, बिल्कुल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास है। तो कौन सा कथन सही हो गया, केवल बी। तो हमारे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो दोनों कवर हो गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इसके इसका जो मुख्य सूचकांक है वो सेंसेक्स है, और इसमें 30 बड़ी जो कंपनी है उनके शेयरों की औसत स्थिति को दर्शाया जाता है। और बैंक जो BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, उसके अन्य सूचकांक जैसे BSE 200, BSE 100 या बैंकेक्स है। उसके बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी स्थापना है वो 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई, और जिस समय इसकी स्थापना हुई तब यह पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एक स्टॉक एक्सचेंज था, और इसका मुख्य सूचकांक है वो निफ्टी 50 है, जिसमें 50 बड़ी कंपनियों के औसत स्थिति को दर्शाया जाता है, और इसमें कुल 13 जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है उसको कवर किया जाता है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए, और दोनों क्वेश्चनों के साथ साथ में दो जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो गए। फिर अगला चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए का सूचकांक नहीं है, मतलब ये चार सूचकांक दिए हुए हैं, इनमें से ये देखना है कि एक ऐसा कौन सा सूचकांक है जो अमेरिका का नहीं है। पहला है डाउ जोन्स, दूसरा है नेस्डेक, तीसरा है S&P 50 और चौथा है निक्केई 225। तो इसमें से जो चौथा है निक्केई 225 ये यूएसए का नहीं होकर के किसका है, जापान का है। बाकी तीनों जो है सूचकांक वो तीनों के तीनों अमेरिका के हैं।
इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो सूचकांक है डाउ जोन्स, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये भी एनएसई होगा। जो न्यूयॉर्क जो अमेरिका का एक प्रांत है उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका मुख्य सूचकांक क्या है, डाउ जोन्स। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। फिर इसमें एक आता है नेस्डेक। नेस्डेक के बारे में ये है कि नेस्डेक में जो मुख्यतः कंपनियां रजिस्टर होती है वो आईटी से रिलेटेड होती है, आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड कंपनियां होती है वो ज्यादातर इसमें लिस्टेड होती हैं। और भारत की इंफोसिस कंपनी है, इंफोसिस ये भारत की पहली कंपनी है जो इसके अंतर्गत नेस्डेक के अंतर्गत रजिस्टर हुई है। तो ये तीनों किसके हो गए, अमेरिका के, और चौथा निक्के किसका हो गया, जापान का। अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रखा है एमसीएक्स देश का सबसे बड़ा कॉमोडिटी एक्सचेंजों में से एक है। नेक्स्ट है इंडिया आईएनएक्स भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। और तीसरा है एमसीएक्स के विपरीत एनसीएक्स व्यापार के लिए केवल कृषि उत्पाद पेश करता है। तो इनकी व्याख्या देख लेते हैं। इनकी व्याख्या के अंदर सबसे पहले देखते हैं एमसीएक्स, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, ये है जो कि जो कॉमोडिटी मार्केट होता है उसका सबसे बड़े जो एक्सचेंज है भारत में उसमें सबसे एक, क्या नाम है उसका, एमसीएक्स। तो पहला स्टॉक, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इंडिया आईएनएक्स भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। तो जो इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये जो 2017 में स्थापित हुआ था ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है, बिल्कुल सही सेंटेंस। तीसरा है जो एनसीडेक्स है उसमें अधिकांश जो होते हैं उत्पाद होते हैं वो कृषि उत्पाद से रिलेटेड होते हैं। तो जब भी हमें कृषि की जो से आप आपको अगर जीरे का या फिर किसी भी फसल का अगर पता करना होगा कि उसकी कीमत क्या चल रही है तो उसके लिए ये जो एनसीडी सेक्स ये है इस पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। आज भी अगर जैसे गूगल पे सर्च करो कि जीरे का भाव क्या है तो जीरे का जो कॉमोडिटी भाव है वो किस साइट पे दिखाया जाएगा, एनसीडी सीएक्स, इस पे दिखाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है ये केवल किसको, कृषि उत्पादों को पेश करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन ये देखो, आईएनएक्स जनवरी 2017 में खोला गया और भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है वस्तु एवं सेवा कर को पूरे भारत में कब लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है वन लाइनर, जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुआ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1 जुलाई 2019, 2014, 2017 और 2020। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हो गया था, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि पहले बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर लगते थे उनकी जगह हटाकर अब वर्तमान में सिर्फ एक ही कर लगाया जाता है अप्रत्यक्ष कर के रूप में, वो है जीएसटी। जीएसटी के लिए सबसे पहले जो भारत में सिफारिश की गई थी वो एक केलकर टास्क जो समिति बनी थी उस समिति ने सबसे पहले 2002-2003 के अंतर्गत यह रिकमेंड किया था कि भारत में भी अप्रत्यक्ष करों को हटाकर उसके स्थान पर एक कर लगाना चाहिए जिसको जीएसटी कहा जाएगा। तो 2003 में केलकर टास्क फोर्स ने वेट आधारित जीएसटी का प्रस्ताव किया था। उसके बाद में सरकार ने 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधेयक लेके आई। तो विधेयक कौन सा है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक है और यह पारित हुआ था 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब पारित
पारित हो गया था, तो ये क्या बन गया था हमारा, जीएसटी संवैधानिक रूप से बन गया था। तो जीएसटी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 101 में। तो जीएसटी की जो स्लेबें हैं वो 5 स्लेब हैं, 0%, 5, 12, 18 और 28%, ये हो गए हमारे जीएसटी के स्लेब। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है जीएसटी परिषद के, पहला काम है अप्रत्यक्ष करों की सूची तैयार करना, और सेकेंड है जीएसटी के लिए विशेष दरें तय करना। अब जीएसटी परिषद क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जब हमारा वो जो जीएसटी एक्ट लाया गया था उसके अंतर्गत जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया था, और ये एक जीएसटी जो परिषद है वो एक, याद रखना अगर इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो, जीएसटी जो परिषद है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल परिषद है, याद रखना, संवैधानिक है, क्योंकि इसका उल्लेख है अनुच्छेद 279A, 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद का उल्लेख है। और जीएसटी परिषद के अंतर्गत, इसकी संरचना के अंतर्गत, एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, और इसके अलावा जितने भी जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभा होती है उनके वित्त मंत्री इसमें भाग लेते हैं। तो ये हो गए जीएसटी परिषद की संरचना के संदर्भ में। और जीएसटी परिषद काम क्या करता है, तो जीएसटी परिषद ये काम करता है कि कौन कौन सी वस्तुओं को कौन जीएसटी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, जीएसटी की कितनी स्लेबें होनी चाहिए, और कौन से वस्तु पर कितना टैक्स लगाया जाना चाहिए, ये डिसाइडेड होता है। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित कोई आपातकाल स्थिति में किसी भी वस्तु पर कितना टैक्स लगाया जाए वो इसमें होता है। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनका सॉल्यूशन इसमें किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन क्या है, अप्रत्यक्ष करों की सूची तैयार करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है जीएसटी के लिए विशेष दरें तय करना, तो कौन सा सही है, तो इसमें दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित राज्य कर हैं, तो जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से राज्य कर सम्मिलित हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है खरीद कर, लग्जरी कर, मंडी टैक्स और उपयुक्त सभी। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो इसके अंतर्गत सही है। तो जीएसटी के अंतर्गत अनेक खूब सारे जो राज्य सरकार द्वारा पहले कर लगाए जाते थे वो अब जीएसटी में शामिल कर दिए गए। इसके अलावा भी कुछ कर हैं, खरीद कर, लग्जरी मंडी हो गए, इसके अलावा मनोरंजन कर है, विज्ञापन कर है, जो चुंगी शुल्क है वो है, फिर जो लॉटरी सट्टेबाजी एवं जो जुए पर कर लगाए जाते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आ गए, ये राज्य कर के अंतर्गत शामिल है। तो इसका ऑप्शन हो गया 4 नंबर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 की थीम क्या है। यह सबसे अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि प्री में आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। पहला ऑप्शन है रोजगार कौशल एमएसएमई एवं निम्न वर्ग, बेरोजगारी कौशल एमएसएमई एवं उच्च वर्ग, रोजगार कौशल एमएसएमई एवं मध्यम वर्ग, रोजगार प्रौद्योगिकी विकास एवं मध्यम वर्ग। तो इस बार का जो बजट 2024-25 है वो हमारा रोजगार कौशल एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर फोकस्ड है, इस पर आधारित है, और यही इसकी थीम है। तो ये 4 पॉइंट सीधे से याद रख लेना, रोजगार कौशल एमएसएमई और जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग है उस पर ये बेस्ड है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको।
अगला क्वेश्चन, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किस राज्य में होगा? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इन कॉरिडोर का निर्माण कहाँ होगा? बिहार। तो ये जो विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर है, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में विख्यात है। और इनको आपस में एक कॉरिडोर को द्वारा स्थापित किया जाएगा। और यही वो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको है जो कि पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु काम किया जा रहा। तो ये विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर कहाँ पर है? हमें बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमान है कितना? राजकोषीय घाटा अनुमान है जीडीपी का 3.9, 4.5, 3.6 और 4.9। तो ये याद रख लेना कि जो भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना है? 4.9% अनुमान है किसके? 2024-25 का। कितना है? 4.9%। अब हमारा क्वेश्चन आता है, सर ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा खूब सारे घाटे आते हैं, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, बजट घाटा, ये घाटा क्या होते हैं? तो हम थोड़ा सा राजकोषीय घाटा का देख लेते हैं। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक वित्तीय वर्ष, उसके अंतर्गत सरकार ने कितनी देयताएं सृजित की है। इसका मतलब ये हुआ, सीधे सरल भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि एक जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, क्या है? एक एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार ने कितने ऋण लिए? तो उसको क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। तो मतलब एक वर्ष जो वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार ने कितने कितने उधार लिए हैं, कितने कितने ऋण लिए हैं, वो सारा क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। ठीक है, वर्तमान में जो भारत का प्रमुख घाटा माना जाता है वो राजकोषीय घाटे को माना जाता है, जो प्रमुख, उससे पहले बजट घाटा माना जाता था, पर प्रेजेंट में किसको माना जाता है? राजकोषीय घाटे को। ये एक फैक्ट और याद कर लेना, 1997 से 1997 से राजकोषीय घाटे को मुख्य घाटे के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसके लिए एक कमिटी बनी थी, उसका नाम याद कर लेना, सुखमय चक्रवर्ती समिति थी। इसकी सिफारिश पर बजटीय घाटे की जगह राजकोषीय घाटे को भारत के मुख्य घाटे के रूप में स्थापित किया गया। तो राजकोषीय घाटा समझ में आ गया कि सरकार ने एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना ऋण लिया है, वो सारा का सारा क्या हो गया? राजकोषीय घाटा। और 1997 से ये मुख्य घाटा के रूप में माना जाता है। और इसकी समिति एक बनती है, उसका नाम क्या है? सुखमय चक्रवर्ती समिति। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024 के अनुसार हरित ऊर्जा की शुद्ध शून्य प्रतिबद्धता का लक्ष्य वर्ष क्या है? पैंतीस, 2050, 2070, 2075, 2070। अब देखो, भारत ने एक सिद्धांत दिया था, पंचामृत का सिद्धांत, ये मेंस में पढ़ते हैं। पंचामृत का सिद्धांत भारत ने दिया था, क्या है मैं बताता हूँ। ये कब दिया था भारत ने? दिया था कोप जो 26 हुआ था, कब हुआ था ये? ये हुआ था 2021 में ग्लासगो में। जो कोप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो कार्य योजना है वो क्या है? कोप है। जैसे हम नाम सुना होगा आपने, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, वो सारे के सारे क्या है? इसी के अंदर आते हैं। तो कोप जो 26 2021 में हुआ था ग्लासगो के अंतर्गत,
उसमें भारत ने पंचामृत सिद्धांत दिया था, मतलब भारत ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि हम ये कार्य जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए करेंगे। उसमें कौन कौन से कार्य थे? उसमें कार्य ये था कि 2030 तक हम 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन हम प्राप्त करेंगे। 2030 तक कितना? 500 गीगावाट। अगला हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें जितनी एनर्जी चाहिए उसकी आधी एनर्जी है वो हम किससे करेंगे? जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उनसे प्राप्त करेंगे। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है, दो हजार तीस तक कार्बन जो उत्सर्जन है उसको 1 बिलियन टन क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। और 2070 तक जो हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है उसको क्या कर दिया जाएगा? नेट जीरो, शुद्ध जीरो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा जो कॉप 26 हो गया, 27 भी हो गया, 28 भी हो गया, जो अगला कॉप होगा वो थोड़ा से ध्यान रख लेना, कॉप 29। कॉप 29 होगा वो होगा कहां पर? बाकू। बाकू कहां पर है? बाकू एक देश है अजरबैजान, उस अजरबैजान की राजधानी है बाकू, तो वहां पर कॉप 29 का आयोजन किया जाएगा। तो सीधा सा अगर वन लाइन क्वेश्चन आ जाएगा, कॉप 29 का आयोजन कहाँ होगा? तो बाकू के अंदर हुआ, ये अजरबैजान की राजधानी है, और ये बाकू है, जियोग्राफी में पढ़ते हैं, ये अपने पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तुओं की जो टूट फूट है वो क्या कहलाती है? प्रशंसा, मूल्यह्रास, अवस्फीति, मुद्रा स्फीति, मुद्रा जनित, ये मुद्रा स्फीति जनित मंदी, चार ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर ये पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है? वॉट इज कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स क्या होती है? तो पूंजीगत वस्तु मतलब इसका मतलब यह होता है कि वे वस्तुएं जो जिसके द्वारा किसी भी सेवा या वस्तुओं के उत्पादन में वो सहायक होती है, मतलब उनकी सहायता से कोई भी वस्तु या सेवाओं को उत्पादित किया जाता है या उनका उत्पादन प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कोई एक मशीन है, तो मशीन से क्या होता है? खूब सारी चीजों का या वस्तुओं का क्या होता है? उत्पादन होता है, तो वो क्या हो गई? पूंजीगत वस्तु हो गई। अब है कि पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट क्या कहलाती है? एक्स वाई जेड हमारे पास एक कोई बड़ी सी मशीन है, उसमें टूट फूट हो गई, कमी हो गई, कुछ ना कुछ उसका जो पार्ट है वो खराब हो गया। तो खराब हो गया तो क्या हो गया? जो हमारी मशीन थी उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। उसकी मुद्रा का क्या हो गया? ह्रास हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। टूट फूट क्या कहलाती है? मूल्य ह्रास। उस जो उत्पाद है या मशीन है उसकी क्या हो गई? अब कीमत क्या हो जाएगी? कम। कोई भी हमने जैसे मोबाइल ले लिया, उसका कोई एक पार्ट टूट गया, तो थोड़े टाइम बाद में हम बेचेंगे तो उसकी उतनी कॉस्ट नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्या हो गया? उसके टूट फूट हो गई। तो सीधा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की गणना निम्नलिखित से की जाती है। सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस ब्याज, सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस लाभ, और सकल अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो जो नेट शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की गणना है वो सकल अप्रत्यक्ष कर में से अगर हम सब्सिडी को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? नेट अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। एक वर्ड आता है सकल और एक शुद्ध, इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। सकल और शुद्ध, ग्रॉस इंग्लिश में इसको ग्रॉस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? नेट। तो थोड़ा सा बिल्कुल माइनर डिफरेंस है कि कोई भी मान लो हमने एक आपने मान लो एक मोबाइल लिया, तो मोबाइल के साथ में आपको चार्जर भी मिला, ठीक है, तो आपने उस मोबाइल पे मान लो 20,000 रुपये खर्च किए, उसमें क्या क्या चीज आई? चार्जर प्लस मोबाइल, दो चीज आई। किसी कारणवश आपने लिया, उसके अगले दिन ही आपका चार्जर बिगड़ गया, तो क्या हो गया?
आपकी जो वस्तु है उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट हो गई, तो क्या हो गया, आपका जो वस्तु, आपके पास जो वस्तु या मोबाइल है उसके मूल्य में कमी हो गई, तो अब जो शेष चीज बचेगी वो क्या कहलाएगी, शुद्ध कहलाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 20,000 में खरीदा था, अब आप कितने में बेच रहे हो, मान लो उसकी कीमत 18,000 हो गई, तो आपका शुद्ध निवेश कितना हुआ, 18,000। ये कितना हो गया सकल, ये कितना हो गया शुद्ध। तो इसका मतलब सकल है, सकल में से हम अगर जो मूल्य हास हुआ है उसको निकाल देते हैं, जो मूल्य के, जो वस्तु के मूल्य में कमी हुई है उसको सकल में से निकाल देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सकल यानी सारा, शुद्ध यानी बिल्कुल प्योर, तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध। तो जो सकल अप्रत्यक्ष कर, मतलब सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर हैं, उसमें से जो हमने सब्सिडी दी है, सब्सिडी जो लोगों को दी है, लोगों की सहायता के लिए जो चीज दी है, उसको अगर हम हटा लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, शुद्ध कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आय के चक्रीय प्रवाह की अवधारणा किसने दी, फ्रांसवा क्वेस्ट ने, कार्ल मार्क्स, साइमन कुटनेट्स और इनमें से कोई नहीं। तो जो आय के चक्रीय प्रवाह की जो अवधारणा है वो फ्रांसवा क्वेस्ट ने दी थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, बिल्कुल इस वर्ड से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या होता है। जैसे इसको समझाते हैं, हम मान लो कोई दो लोग हैं, ए एवं बी, ए एवं बी दो कोई लोग हैं, ए के पास कोई शॉप है, दुकान है, ए क्या गया, ए को कुछ सामान खरीदना था, वो किसके पास गया, बी के पास। इसने पैसे किसको दिए, बी को दिए, इसने वस्तु या सेवा खरीदी, बी के पास पैसे आए, कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद में क्या किया इसने, है जो कि अपने व्यापार का क्या किया, और विस्तार किया, एक और दुकान खोल ली यहाँ पर, यहाँ और दुकान खोली, तो लोगों को क्या हुआ, अतिरिक्त रोजगार मिला, यहाँ रोजगार मिला, तो क्या हुआ, इस व्यक्ति के घर में पैसे आए, इसने वापस मार्केट में लगाया, तो ये क्या हो गया, आय का प्रवाह चलता रहता है, मतलब पैसे इसके पास आए, इससे उसके पास में, इस ये पूरा क्रम चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, लोगों के पास में व्यापार होता है, व्यापार होने से लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है तो उसका जीवन स्तर बेहतर होता है, तो ये आय का ऐसे चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। तो ये किसने दिया था, फ्रांसवा क्वेस्ने ने ये अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन सीधा सा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीआई की फुल फॉर्म, सब यूज करते हो आजकल यूपीआई, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, 3 नंबर। इसमें क्या होता है, मोबाइल ऐप होता है, इसके माध्यम से हम निर्बाध रूप से है जो कि जो लेन देन है वो डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं, जो पीयर टू पीयर है उसके माध्यम से इसमें लेन देन की जाती है, जैसे फोन पे का यूज करते हैं, अमेजोन पे, पेटीएम, ये सारे के सारे किस में आते हैं, यूपीआई के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है। पहला क्वेश्चन है यह बैंक दर और कॉल मनी दर के बीच का क्षेत्र है, दूसरा है यह एमएसएफ एवं एलएएफ के बीच का क्षेत्र, सीएआर एवं एसएलआर के बीच का क्षेत्र, और एमएसएफ एवं एसएलआर के बीच का क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो टर्म यूज किए गए हैं, बैंक दर, कॉल मनी, एमएसएफ, एलएएफ, सीएआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये क्या होते हैं, इनको सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद में इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले बैंक रेट, बैंक दर क्या होती है, जितने भी बैंक हैं उनके पास में जो पैसे मिलते हैं, उनके पास में जो मुद्रा मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा दी जाती है। तो बैंक दर वह दर जिस पर आरबीआई द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, जो बैंक है उनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे दिए जाते हैं, जो ऋण दिया जाता है उसकी ब्याज दर होती है वो क्या कहलाती है,
बैंक दर कहलाती है। किसके द्वारा दिया जाता है? आरबीआई द्वारा। बैंकों को पैसे उधार दिए जाते हैं और ये पैसे दिए जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म। बैंक दर क्या हो गई? आरबीआई द्वारा लॉन्ग टर्म के लिए बैंकों को पैसे दिए जाते हैं, उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। अब अगला आता है कॉल मनी दर। कॉल मनी मार्केट, ये आरएसपी के अंदर पूछा कोई किसने? कॉल मनी मार्केट में, कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत क्या होता है कि दो बैंक होते हैं, बैंक ए और बैंक बी, ये आपस में व्यापार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रोजमर्रा की जो पर डे के हिसाब से जो लेन देन होती है, तो किसी एक बैंक के पास पैसे ज्यादा पहुंच जाते हैं और दूसरे के बैंक के पास क्या हो जाता है? पैसों की कमी हो जाती है। तो एक बैंक क्या करता है, दूसरे बैंक को फोन करता है कि हाँ सर, हम मुझे इतने रुपए चाहिए। तो वो क्या करता है, दूसरा बैंक उस बैंक को वो पैसे दे देता है। और क्योंकि ये पैसे है जो कॉल के माध्यम से दिए जाते हैं, फोन किया उसके माध्यम से पैसे ट्रांसफर हो गए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉल मनी मार्केट। सामान्यतः ये पैसे हैं एक दिन के लिए दिए जाते हैं, पर जो नॉर्मली है वो 1 से 14 दिन के लिए ये पैसे दिए जाते हैं। तो यही प्री में क्वेश्चन था कि वह दर कौन क्या कहलाती है जिसके माध्यम से एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक से अल्पकाल के लिए पैसे उधार दिए जाते हैं। अल्पकाल ये हो गए 1 से 14 दिन शॉर्ट टर्म, और एक बैंक से दूसरे बैंक में हो गया, उसको क्या कहेंगे हम? कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट मतलब क्या हो गया? एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे लिए जाते हैं उसकी जो ब्याज दर है वो क्या कहलाती है? कॉल मनी मार्केट। और ये सामान्यतः एक दिन के लिए लिए जाते हैं, परंतु इसकी जो डेट होती है, टाइम पीरियड होता है, वो 1 से 14 दिन का होता है। अगले हमारी टर्मिनोलॉजी आती है एमएसएफ। ठीक, एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ में जब मान लो कोई बैंक है, उसको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो गई, बैंक को इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो गई, तो आरबीआई द्वारा बैंकों को एक दिन के लिए ऋण दिया जाता है। आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकाल या बिल्कुल एक दिन के लिए जो ऋण दिया जाता है वो एमएसएफ होता है। अब एमएसएफ कॉल मनी मार्केट में फर्क ये हो गया कि कॉल मनी मार्केट के अंदर पैसा कौन दे रहा है? एक बैंक से दूसरा बैंक। जबकि एमएसएफ में क्या होता है, पैसे कौन दे रहा है? केंद्रीय बैंक है वो किसी बैंक को दे रहा है। तो दोनों में ये फर्क है एमएसएफ। अगला आ गया आपके एलएएफ। एलएएफ इसके अंतर्गत दो चीजें होती है, आपने पढ़ी होगी, आर आर और ट्रिपल आर। आर आर रेपो रेट, ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट। अब ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है ये देखते हैं। रेपो रेट का मतलब इस बैंक ब्याज दर है ना, बैंक दर, इसको समझते हैं। बैंक दर में क्या होता है, आरबीआई बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। रेपो रेट में सेम चीज है, बस फर्क कितना है कि आरबीआई द्वारा बैंक को लोन दिया जाता है, पर लोन है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। क्या हो गया रेपो रेट? आरबीआई द्वारा बैंकों को जो अल्पकाल यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन दिया जाता है उसको क्या कहेंगे हम? रेपो रेट। अगला है ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, इसका मतलब उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब क्या हो गया, इसके अंतर्गत बैंक है वो बैंक आरबीआई को क्या देंगे पैसे? किसी बैंक के पास मान लो ज्यादा पैसे हो गए, तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई को वो पैसे है जो कि लोन के रूप में दे देगा, और उसके बदले में आरबीआई बैंकों को क्या कह देती है, ब्याज देती है। तो रिवर्स रेपो रेट मतलब रेपो रेट का उल्टा, यानी कि बैंकों द्वारा आरबीआई को पैसे दिए जाते हैं, वो हो गई रेपो रेट। फिर अगला वर्ड आता है सीएआर।
कैश एक्विटी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। इसमें क्या होता है कि जितने भी बैंक होते हैं उन बैंकों को एक नियम बना रखा है कि आपके पास जितना भी पैसा होगा उस पैसे का एक कुछ फिक्स पार्ट है वो आपको आरबीआई के पास जमा करवाना होगा। मान लो किसी बैंक के पास कुल कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, तो आरबीआई कहेगा 4 रुपए आप हमारे पास जमा करवा दो। और उसमें आरबीआई है जो कि बैंकों को ब्याज नहीं देते। तो सर आप कहोगे बैंक क्यों करवाएंगे फिर, बैंकों को जब ब्याज ही नहीं मिल रहा तो वो आरबीआई के पैसे क्यों देंगे। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि अगर आपातकालीन कोई भी इमरजेंसी वाली स्थिति आ गई तो उस स्थिति को निपटने के लिए ये CAR है ये लाया गया है। तो CAR मतलब क्या हो गया, बैंकों द्वारा अपने कुल पूंजी का एक फिक्स भाग है वो आरबीआई के पास जमा करवाया जाता है और आरबीआई इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देती है। फिर इसी तरह एक आता है SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR में भी सेम ऐसा सिस्टम है, परंतु इसमें क्या किया जाता है कि सभी बैंक है वो अपनी कुल पूंजी का एक पर्टिकुलर पार्ट है वो है जो कि जो सरकारी प्रतिभूति है उनको खरीद में लगा देंगे। यहां पर किसको दिया, आरबीआई को, और दूसरा SLR में क्या हो गया, S यानी सरकारी, तो ये क्या करते हैं सरकारी प्रतिभूति को खरीदना होता है। तो बैंक को अपने फिक्स जो डिपॉजिट है उसका एक पर्टिकुलर भाग है वो सरकारी बैंकों में जमा करवाना होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, SLR कहा जाता है। MSF हो गया, SLR हो गया, तो ये हमारे बेसिक टर्म हो गए। तो जो पॉलिसी कॉरिडोर होता है ये MSF एवं LAF जो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट है इनके बीच का क्षेत्र होता है। अभी 2 मिनट में ये क्विक देख लेते हैं। बैंक दर, आरबीआई द्वारा बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन दिया जाता है वो बैंक कॉल मनी, एक बैंक के पास पैसे ज्यादा हो गए दूसरे के पास कम हो गया तो एक बैंक ने दूसरे बैंक को फोन किया और शॉर्ट टर्म के लिए उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो कॉल मनी में हो गया। फिर LAF के अंतर्गत, LAF में पर्टिकुलर LAF में कुछ नहीं होता, LAF के अंदर दो चीजें होती है, RR और RRR, रेपो रेट। रेपो रेट में एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है, और रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट का जस्ट उल्टा, इसमें है जो कि एक बैंक द्वारा है जो कि आरबीआई को है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है। फिर MSF में है जो किसी बैंक को अगर इमरजेंसी हो गई तो उसके लिए एक दिन के लिए आरबीआई द्वारा बैंक को पैसे दिए जाते हैं उसको MSF कहते हैं। और CAR, CAR के अंतर्गत बैंक है वो अपने कुल डिपॉजिट का एक फिक्स भाग है जो कि आरबीआई के पास जमा करेगी, और SLR के अंतर्गत बैंक अपने कुल जो परिसंपत्ति है उसका एक पर्टिकुलर भाग है वो सरकारी प्रतिभूति है उसको खरीद में लगाएगी। तो ये सारे के सारे अगर फैक्चुअल क्वेश्चन अगर कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये इनको ध्यान रखना। तो ये हो गया हम, अगला क्वेश्चन, नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया, 92, 82, 2002 और 1990। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में, एक समिति है, शिवरमन समिति, अगर डेट भी पूछ ले तो 12 जुलाई। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अब नाबार्ड होता क्या है, नाबार्ड NABARD, तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, NA यानी नेशनल, B यानी बैंक, 4 A यानी एग्रीकल्चर, R यानी रूरल एंड डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मतलब कृषि के क्षेत्र में ये अनुसंधान को बढ़ावा देगा, कृषि के क्षेत्र में ये विस्तार को बढ़ावा देगा, और नेक्स्ट इसमें क्या किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के ये विकास के लिए बढ़ावा देगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो सूक्ष्म या लघु उद्योग है उनको स्थापित करने में ये मदद करेगा। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, कौन सी समिति थी, शिवरमण समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, भुगतान बैंक, क्योंकि ऑप्शन आ गया तो आगे देख लेते हैं। भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक,
पेमेंट के बैंक के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनके बारे में देखना है कि कौन सा कथन इनकरेक्ट असत्य है वो देखना है। अब सबसे पहले देखते हैं सर, पेमेंट बैंक होता क्या है, क्यों स्थापित किया जाता है ये। तो पेमेंट बैंक है वो डिजिटल जो भुगतान है उसको बढ़ावा देने के लिए पेमेंट बैंक स्थापित किए गए हैं। जैसे आप सबने यूज किया होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, ये सब क्या है, पेमेंट बैंक। अब इसकी सहायता से हम समझ लीजिए, जैसे पेटीएम सब यूज करते हैं तो इसके हिसाब से देख लेते हैं ऑप्शन। पेमेंट बैंक एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना पेमेंट बैंक है वो एटीएम कार्ड और ये डेबिट कार्ड है वो जारी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। क्वेश्चन क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है तो पहले हो गया। दूसरा है पेमेंट बैंक ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। तीसरा है पेमेंट बैंक ऋण एवं क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, पेमेंट बैंक से हम पेमेंट बैंक में हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं इसमें, क्योंकि जब पेटीएम हम यूज़ करते हैं तो पेटीएम द्वारा हमें किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड है वो नहीं दिया जाता। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही हो गया। और ये सीमित जमाएं स्वीकार कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेते, एक फिक्स डिपॉजिट पैसे लेते हैं और उनका प्रयोग हम किसी भी जगह पर अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, उसके बदले में ये अपने ट्रांजेक्शन फीस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेमेंट बैंक। कुछ पेमेंट बैंक क्यों स्थापित किया जाता है, तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट बैंक स्थापित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, रीजनल रूरल बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया, 92, 52, 75 और 60। तो याद रखना ये 1975 को भारत में पहला जो ग्रामीण बैंक है, प्रथम RRB है, वो भारत में कब स्थापित किया गया, 1975 में। और जो प्रथम RRB है उसका नाम था, याद रखना, प्रथमा। प्रथमा भारत का प्रथम जो RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो है। अब ये होता क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास बैंक, इसके अंतर्गत बैंक जो भारत सरकार ने ये प्रावधान किया गया था कि कोई पर्टिकुलर बैंक है उसको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाए कि ये आप एरिया है इसमें आप है जो कि बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देगा, जैसे मरुद्रा ग्रामीण विकास बैंक, जैसे ये वेस्टर्न राजस्थान है उसमें ये मिलता है, जैसे बाड़मेर जैसलमेर है। तो इस मरुद्रा ग्रामीण विकास बैंक को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आपका ये काम है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत जो ग्रामीण जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो अवेलेबल करवाओगे। तो ये जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था, 1975 में। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण जनता विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना। और प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या नाम था, प्रथमा। ठीक है, इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ये बैंक RRB स्थापित करना चाहता है तो उसके पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए, 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था, 1948, 49, 50 और 47 में। तो भारत में प्रथम जो राष्ट्रीय आय समिति है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में स्थापित किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय आय का 1950 में पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया था और इसमें ये अन्य सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, उच्च शिक्षा, कर से, बैंकिंग प्रणाली से और योजना कार्यान्वयन से। तो ये जो नरसिम्हन समिति है इसका 2 बार गठन हुआ, 1991 92 और 1998 में, और दोनों बार इसका गठन हुआ था बैंकिंग संरचना में सुधार हेतु। तो याद रखना नरसिम्हन समिति है वो किससे संबंधित है, बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। 2 बार गठित हुई, 1991 में और 1998 में। इसने ये कहा था कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो बैंकिंग क्षेत्र को, जो बैंकिंग प्रणाली उनका विस्तार किया जाए, जो विदेशी बैंक है उनको भारत में
आपने बैंक स्थापित करने की जो है अनुमति दी जाए, विदेशी बैंक और भारतीय बैंक में किसी भी प्रकार का फर्क न किया जाए। इसके साथ ही इसने एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी कि भारत को भी बेसल मानकों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अब ये सब बेसल मानक क्या है? बेसल एक स्विट्जरलैंड का शहर है, उसका नाम है। अब बेसल मानक में ये होता है कि जितने भी पूरी दुनिया के जितने भी रिजर्व बैंक होते हैं, उनके जो गवर्नर होते हैं, उनकी ये एक बॉडी होती है कि उनका एक ढांचा होता है, उनके द्वारा पूरी दुनिया में बैंकिंग क्षेत्र में और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या अनुसंधान किया जा सकता है, बैंकिंग क्षेत्र में विकास के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उनके बारे में ये मानक स्थापित करता है। उसी को क्या कहते हैं? बेसल मानक। तो किसी ने अगर पूछ ले बेसल मानक किससे संबंधित है, तो बेसल मानक किससे संबंधित है? बैंकिंग संरचना में सुधार हेतु। और वर्तमान में बेसल मानक कौन सा चल रहा है? तीसरा चल रहा है। और तीसरा कब शुरू हुआ था? 2010 से हमारा शुरू हो गया था बेसल मानक, बैंकिंग सुधार से संबंधित। वर्तमान में तीसरा चल रहा है, और ये तीसरा कब शुरू हुआ था? 2010 से। और भारत इस बेसल मानक का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का सबसे अधिक तरल रूप कौन सा है? सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विडिटी किसमें होती है? M1, M2, M3, M4। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी होती है वो होती है मनी सप्लाई में, M1। ये M1, M2 ये होता है मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति। इसका मतलब RBI द्वारा बैंकों को जो पैसा दिया जाता है, जो उनको सप्लाई की जाती है, वो क्या कहलाती है? मुद्रा की आपूर्ति कहलाती है। और उसमें ये तीन चार चीजें होती है, M1, M2, M3। तो सबसे अधिक तरल रूप किसका होता है? M1 का। अगर तरल रूप का अगर स्वरूप पूछे, उनका क्रम पूछे, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा M1, फिर M2, M3 और M4, ये इनका क्रम होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखे हैं। M1 को नैरो मनी भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि नैरो मनी किसको कहते हैं? M1 को। और M3 को क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी, वृद्ध मनी। M1 नैरो मनी और M1 सबसे ज्यादा तरल लिक्विडिटी इसमें होती है। तरलता का मतलब क्या होता है इकोनॉमी में? तरलता का मतलब होता है पैसों की उपलब्धता कितनी है, कितना पैसा है बाजार में, उसको क्या कहेंगे? बाजार में जैसे हम पढ़ते हैं, बाजार में इसकी तरलता अधिक है, बाजार में इसकी तरलता कम है। तो तरलता का मतलब होगा कि बाजार में पैसों की उपलब्धता ज्यादा है, बाजार में पैसों की उपलब्धता कम है। तो M1 में क्या क्या आता है? जो जनता के पास पैसा है वो, बैंकिंग प्रणाली में जो मांग जमा है वो, और RBI के पास जो भी अन्य जमाएं होती हैं, जैसे हमने पहले अभी पढ़ा था CR, CAR, SLR, वो सारी किसके अंदर आती है? M1 में। M2 के अंतर्गत M1 प्लस डाकघर की जो बचत होती है वो किसके अंतर्गत आती है? M2 के अंतर्गत। M3 को अभी बताया था, M3 को क्या कहा जाता है? ब्रॉड मनी। M1 को क्या कहा जाता है? नैरो मनी। और M1 में क्या होता है? ये M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ जो सावधि जमा होती है, ठीक है, वो इसमें आती है। और M4 के अंतर्गत क्या है? M3 प्लस राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर डाकघर बचत बैंकों की सभी जमाएं, ये किस में आती है? M4 में। और संक्षेप में सर्वाधिक तरलता से कम तरलता का क्रम है जो भी बता दिया था, M1, उसके बाद M2, फिर M3 और फिर M4। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली? 12 पंचवर्षीय योजना चली। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस कब हुई थी? 1951 में योजना आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और जो अंतिम यानी 12वीं थी वो 2012 से लेकर 2017 तक थी। और इसका जो मुख्य शीर्षक था वो था तीव्र अधिक एवं समावेशी एवं सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये था। और ये क्वेश्चन RSPD में पहले पूछा जा चुका, सीधा सा क्वेश्चन था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर ज्यादा हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? हेरोड डोमर मॉडल कहा जाता है।
दूसरी को क्या कहा जाता है? पीसी महलानोबिस मॉडल, जो अभी हमने पहले पढ़ा था। तीसरी को कहा जाता है गाडगिल योजना कहा जाता है। फिर ये प्रथम अवकाश योजना 1966 से 67 वॉर की वजह से। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव अभियानों में गरीबी हटाओ का नारा इसके अंदर दिया था। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना, फोकस था कृषि पर ज्यादा। फिर एक रोलिंग प्लान आया था बीच में मोरारजी देसाई के सरकार के समय। फिर ये छठी और फिर ये आठवीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना भारत में क्या होती है, एलपीजी सुधार हुए थे। और बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक, तेज अधिक समावेशी एवं सतत विकास, फर्स्ट टर्म मोबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस समुच्चय को राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहा जाता है? अब साहब टॉपिक आ गया हमारा नेशनल इनकम। आरपीसी के जो हमारा आरएसपी का सिलेबस है उसमें सीधा सा दिया हुआ है राष्ट्रीय आय, और आरपीसी का सबसे फेवरेट टॉपिक जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन। तो इसके लिए हम एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे जिसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी कारक होते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फिर इसमें मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस, जो कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना जिसमें ये सारी की सारी चीजें समझाई होगी। पर कैपिटा इनकम कैसे करते हैं, नेशनल इनकम कैसे ज्ञात करते हैं, सारी की सारी चीजें वहां हम समझेंगे। ठीक है, अभी देख रहे थे किस समुच्चय को नेशनल इनकम कहा जाता है। तो हमने पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है बाजार लागत पर शुद्ध को, दूसरा है सागर लागत पर शुद्ध जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसको, तीसरा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को, और चौथा है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को। तो हमारी जो नेशनल इनकम है उसको क्या कहा जाता है, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है एनएनपी, किस पर, साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट है उसको क्या कहा जाता है वर्तमान में भारत में, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगर हमें अगर इसी से अगर प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो तो पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम में क्या हो जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट अपॉन क्या हो जाएगा, जनसंख्या। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। तो अगर पूछे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं, तो शुद्ध जो राष्ट्रीय उत्पाद है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, उसमें हमारी जनसंख्या को अगर भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? आय एवं धन का पुनर्वितरण बिल्कुल होता है, आर्थिक स्थिरता बिल्कुल होती है, जीडीपी में वृद्धि होता है, और घाटे का बजट ये नहीं होता। घाटे का बजट सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य नहीं होता। फिर वापस वही क्वेश्चन आ गया, पूंजीगत जो हमने पहले पढ़ा था कैपिटल गुड्स, उसके बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा वो देखना है। हमने क्या पढ़ा था, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो किसी भी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में सहायक होती है, जैसे कोई मशीनरी हो गई, कोई इक्विपमेंट उपकरण हो गया, वो क्या हो गया, किसी भी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में सहायक होती है। अब पहला इसका ऑप्शन है ये टिकाऊ वस्तु होती है, बिल्कुल सर, कोई मशीन खरीदे तो वो टिकाऊ ही होगी। ठीक है, तो ये ड्यूरेबल है, बिल्कुल सही है। अन्य वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। फिर अब पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण क्या क्या है इसमें दिए हुए, मशीन बिल्कुल उदाहरण होती है, भोजन साफ उदाहरण इसका नहीं होता, उपकरण इसका उदाहरण होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि भोजन के द्वारा कोई भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि भोजन खुद एक प्रोडक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट, ये दोनों सही है, पर ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया था अपना, ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया और 3 नंबर आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सकल निवेश क्या होता है,
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सकल और शुद्ध पढ़ लिया था हमने, अभी देखते हैं। वह राशि जो एक निर्माता द्वारा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करता है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, सकल निवेश। सकल निवेश का मतलब क्या हो गया कि कोई भी उद्यमी या निर्माता कोई फिक्स पर्टिकुलर टाइम के लिए पूंजीगत जो वस्तुएं होती है उनको खरीदने के लिए उन पर जो निवेश करता है उसको क्या कहते हैं, सकल निवेश कहते हैं। तो ध्यान रखना ये किसके होते हैं, एक फिक्स टाइम के लिए होता है, और पूंजीगत जो कैपिटल गुड्स होती है जिनसे किसी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उनके लिए ये निवेश होता है। अब यहां देखो फॉर्मूला दिया है, सकल निवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, जो उसके प्रोडक्ट था उसके अगर मूल्य में कमी हुई उसको अगर शुद्ध निवेश में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सकल निवेश। हमने फॉर्मूला पहले पढ़ लिया था, सकल और शुद्ध में क्या फर्क था, ये फर्क था। फिर वापस घरेलू क्षेत्र की अवधारणा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, घरेलू क्षेत्र किसी देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले आर्थिक गतिविधियां, किसी देश की सीमा के भीतर रहने वाली जनसंख्या और वस्तु एवं सेवाओं का आयात एवं निर्यात। तो हमारा ऑप्शन नंबर दो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली जो इकोनॉमिकली एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधियां, उनको क्या कहा जाता है, हमारा घरेलू सीमा कहा जाता है। और ये टॉपिक भी हम किस में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम में पढ़ेंगे कि घरेलू क्षेत्र किसको कहा जाता है, नागरिक किसको कहा जाता है, वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम उत्पादन का मतलब क्या होता है, वो इस टॉपिक के अंतर्गत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार देख लो घरेलू क्षेत्र कैसे होता है, ये सारा का सारा नेशनल इनकम के टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में से घटाकर की जाती है, रिक्त स्थान को भरना है, मूल्यह्रास, प्रशंसा, सब्सिडी और प्रत्यक्ष कर। तो ये हमारा क्या हो गया, मूल्यह्रास। देखो शुद्ध घरेलू और सकल, अंतर हमने पहले ही देख लिया था कि सकल क्या होता है, सकल होता है शुद्ध प्लस मूल्यह्रास, ये क्या हो गया हमारा सकल। तो सकल में क्या निकालना है, क्योंकि शुद्ध ज्ञात करना है हमें, तो शुद्ध ज्ञात करना है तो ये मूल्यह्रास इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो शुद्ध की फॉर्मूला क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तो हम सकल घरेलू उत्पाद में से क्या निकालेंगे, मूल्यह्रास निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब साहब अगला पूछते हैं, एक्चुअल भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो सेबी की वेबसाइट है उसके अनुसार भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है, 7 है। भारत में कुल 7 स्टॉक एक्सचेंज है, प्रमुख जनरली जो है मुख्यतः दो स्टॉक एक्सचेंज यूज होते हैं, जो दोनों हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में पहले ही पढ़ लिए। इसके अलावा जो अन्य स्टॉक एक्सचेंज है उनका नाम देख लेते हैं, पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, फिर है मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज, फिर है मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज और इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये हो गए हमारे 7 स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन मुद्रा स्फीति को 2 से 6% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ रखने का प्रयास करता है। अच्छा क्वेश्चन है, जो 4+-2% है ये क्या चीज है,
अब इसके ऑप्शन है भारत सरकार, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्या चीज़ है, कौन सा संगठन मुद्रा स्फीति के, तो 2015-16 के अंतर्गत एक उर्जित जो आर पटेल समिति है, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने उनकी सिफारिश पर मौद्रिक नीति जो समीक्षा समिति है उसका गठन किया गया था। और उसमें ये कहा गया था कि भारत का जो मुद्रा स्फीति है या मुद्रा स्फीति का जो लक्ष्य है वो कितना होना चाहिए, 4 ± 2% है। 4 ± मतलब 4 + 2 यानी कि 6% है, 4 - 2 यानी 2% है। तो भारत में मुद्रा स्फीति कितनी होनी चाहिए, 2% से लेकर 6% के बीच में होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति लक्ष्यीकरण कहते हैं, मुद्रा स्फीति लक्ष्यीकरण, टारगेटेड इन्फ्लेशन, कि हमें इतनी इन्फ्लेशन तो चाहिए, ना तो इससे ज्यादा और ना कम। ठीक है, ये कैसे होती है, ये हम आगे जब मुद्रा स्फीति टॉपिक ढंग का टॉपिक है, हर बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उर्जित आर पटेल समिति का गठन किया था, उसने है जो कि एक मौद्रिक नीति समीक्षा समिति है उसके गठन किया था। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं और इसका जो प्रमुख होता है वो आरबीआई का गवर्नर इसका प्रमुख होता है। और इस समिति के द्वारा मुद्रा स्फीति लक्ष्यीकरण दिया गया और वो कितना है, सीपीआई के आधार पर 4 ± 2% है। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी, इन्फ्लेटर, ये सब हम मुद्रा स्फीति के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और यही इस बार आरएस मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इन्फ्लेशन टारगेटेड जो उसका फ्रेमवर्क ढांचा क्या है, तो उसमें ये चीज ही लिखनी थी मेंस के अंदर। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, रिवर्स रेपो रेट, RRR, इसमें क्या होता है, रेपो रेट का जस्ट उल्टा मतलब क्या हो गया, इसके द्वारा बैंक है जो अपने पास सरप्लस पैसा है उसको क्या कर देती है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे देती है। तो ये क्या कहा जाता है, RRR। क्वेश्चन पूछा है कि इसमें रेपो, इसकी रेट क्या होगी, दर क्या होगी, रेपो रेट से अधिक, रेपो रेट से कम, रेपो रेट के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रिवर्स रेपो रेट है तो ध्यान रखना उसकी जो दर है वो हमेशा रेपो रेट से कम होगी। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई है वो बैंकों को ब्याज दर कम देगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट की दर रेपो रेट से हमेशा कम होगी। अगला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्राथमिक घाटा यह सरकारी उधार पर ब्याज भुगतान घटाने के बाद राजकोषीय घाटे की राशि है। सेकेंड स्टेटमेंट है, राजस्व घाटा या कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियों के बराबर होता है। कौन सा स्टेटमेंट से, यही है देखो। तो हम पहले ले लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो राजकोषीय घाटा है उसमें से अगर हम ब्याज भुगतान निकाल देते हैं तो वो कौन सा घाटा हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला यही होता है, यही घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अनुदाय की क्या हो गया, प्राथमिक घाटा। और यही ये कह रहे हैं कि जो उधार पर ब्याज भुगतान, ब्याज अनुदाय की, उसके बाद में जो राजकोषीय घाटे की राशि हुई, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा का सीधा सा फॉर्मूला होता है, जितना राजस्व व्यय किया उसमें से अगर राजस्व प्राप्तियों को घटा लेंगे तो जो घाटा बचता है वो राजस्व घाटा है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट हमारे एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है कि आरबीआई के बारे में गलत कथन कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखना है। चार स्टेटमेंट है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका स्वामित्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है और यह एक नियामक के निकाय के रूप में कार्य करता है।
पहला स्टेटमेंट देखते हैं, आरबीआई भारत का बिल्कुल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? आरबीआई। सेकंड है, इसका स्वामित्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, यही पूछा, क्योंकि इसका स्वामित्व है वो वित्त मंत्रालय के पास है। इसका स्वामित्व किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास। और यह एक नियामक निकाय के रूप में काम करता है। इट्स एक्ट एज अ रेगुलेटरी बॉडी। अब रेगुलेटरी बॉडी, नियामक निकाय का मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि आरबीआई है वो सभी बैंकों के लिए नियम बनाता है, उनके लिए दिशा निर्देश जारी करता है, कि उसके साथ में जितने भी बैंक हैं उनको लाइसेंस देता है। अगर कोई आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करता है तो लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। उनके लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उनका काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ये सभी बैंकों के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करता है। आरबीआई की स्थापना, उसके लिए एक एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934, उसके तहत इसकी स्थापना 1935 में हो गई थी। और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सर ऑस्बोर्न स्मिथ। और प्रथम जो भारतीय आरबीआई के गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। और वर्तमान में जो शशिकांत दास है वो वर्तमान में भारत के आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में क्या चार पांच जानकारी हो गई। आरबीआई की स्थापना 1965 में, आरबीआई जो एक्ट है ये एक्ट बना था, 34 में एक्ट बना था और 35 में इसकी स्थापना हो गई थी। और पहले जो इसके अध्यक्ष थे, आरबीआई के जो चेयरपर्सन थे वो थे ऑस्बोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय जो गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर सर शशिकांत दास है। तो ये हो गए हमारे 35 क्वेश्चन पूरे। आई होप आप सबने अपने जो क्वेश्चन है उसके बारे में एनालिसिस कर लिया होगा। और जो हमारे क्यूबीटी सीरीज का सेकंड जो डे है वो हम कल लेके आएंगे, तो आराम से पढ़िए। थैंक यू।